हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। मैं इस बार में ट्राई करूंगी एपिसोड 11 और 12 दोनों इंक्लूड हो जाए। एपिसोड स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड के। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि पैट अभिषेक के साथ बॉक्सिंग रिंग में लड़ रहा होता है, लेकिन उसकी हड्डियों का कचुंबर तो बनना ही था। अब हमारा शेख ठहरा नेशनल लेवल चैंपियन, और तब वहाँ पर जीव वसिका और आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग उसे सच बता देते हैं। इस सुनने के बाद पैट को पहले तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो अपने प्यार के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी प्यार उसे बेवकूफ बना रही थी। जो उसे समझाने की ट्राई करती है लेकिन उसकी बातें नहीं सुनता, और टी को भी बुरा लग रहा था इस टाइम पे पैट के लिए। जीव जाती है पैट के पास और उसे बोलती है कि असल में वो टेस्ट लेना चाहती थी उसका, कि वो उसके लिए सीरियस है या नहीं। और ये बात सच थी कि ये बात ना थोड़ा आगे बढ़ गई और मजाक से ज्यादा ऊपर गया, और उसे सॉरी बोलती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे आत्महत्या चल गया तो मेरे लिए इतनी ज्यादा सीरियस हो, और अभी मैं चाहती हूँ कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात करें, ऐसा वो बोलती है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और ये सब सुनने के बाद जो पैर था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, और उसके बाद पैर बोलता है कि ऐसे पता है तुम्हें, मैंने तुम्हारा सबसे वर्स्ट फेस भी देखा है तो ये तो कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद जो पूछती है कौन सा वाला वर्स्ट फेस, तो हमें पता चलता है वही जब वो बाहर फ्रांस में था तो उसी टाइम पे जो जीव ने किसी फ्रेंड के वेडिंग पे उसकी बॉडी में वॉमिट किया था वो बारे में बता देता है। जो सुनने के बाद जीव तो शर्म के बारे इम्बैलेंसमेंट की वजह से वो अपने मुंह को छुपा रही होती और बोल रही थी कि प्लीज अब मैं तुम्हें फेस नहीं करवाऊंगी, आई एम सॉरी, ऐसा वो बोल रही थी। और पैट उसका मजाक उड़ाने लगता है, मतलब प्यारा वाला मजाक जो जीव के लिए बहुत ज्यादा इम्बैलेंसमेंट का लेवल था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, अभी टी आर पसी का सब कुछ ट्राई करने की ट्राई कर ही रहे होते हैं आइलैंड पे, और साथ में यहाँ पर होता है ना वो जो मोंटी नाम का बंदा था अभी सुरा की टीम का, वो वहां से कुछ कस्टमर के पैसे चुरा चुका था, और ए टी के पापा ने जिस बंदे को भेजा हुआ था उसने देख लिया था, तो वो उस बंदे के पीछे जाते हैं। और उसके बाद मोंटी और उसमें लड़ाई हो गई थी और वो बंदा मोंटी को शूट कर देता है, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो गया था। टी आर पसी का को इसके बारे में पता चल जाता है और मोंटी इन्वॉल्व इसके में भी उन्हें पता चल गया था। जो सुनने के बाद टीआर पसिका दोनों ही शौक में आ गए थे क्योंकि वो बंदा इन लोगों का काफी ज्यादा भरोसेमंद आदमी हुआ करता था। हमें दिखाया जाता है जो मोंट्री था वो भागते जाता है और जिसने उसे मेन एक काम दिया हुआ था उसके पास जाता है, लेकिन अब एक हारा हुआ आदमी तो किसी को भी काम का तो नहीं होता, और वो बंदा मोंट्री को एक बहुत ऊंची पहाड़ से शूट करके वहीं पर शायद तो उसे मरवा देता है, क्योंकि ऐसा दिखाया है कि मोंट्री की बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही थी। तो अभी जो पैसे का हेरा फेरी वाला मामला था फिर से एक बार इस तरह से दबाया जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में, इसके बारे में शेख पसी का आरटी के साथ बात कर रहा था और इन लोगों को डाउट था कि सांगना भी इस बात पे इन्वॉल्व हो सकता है, इसीलिए अभी जीव और पैट मिलके जाते हैं सांगना के रूम पे, और अभी जीव बाहर इसे नजर रख रही होती है और जो सांगना था उसके रूम में जाता है पैट। वहां पर जाने के बाद उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे बॉम्ब बनाया जाता था कुछ केमिकल्स से, इसके बारे में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में, पसी का बैठ रही थी तभी वहां पर उसे कॉल आता है टीकी बॉम्ब का, तो अब आप लोग एक्सपेक्ट कर भी सकती वो क्या करती है। तो बेसिकली क्या था ना, अब कुछ भी करो पसीका को आउट कर ही नहीं पा रही थी, तो इस बार वो निशाने बनाती है पसीका की मॉम और उसकी बड़ी बहन को, और वो उसे फोटो भेजती है और वो बोलती है कॉल करके कि मैंने तो बहुत ट्राई किया तुम्हें कुछ भी ना करो, अब तुम तो दस से मस होने के लिए रेडी थी नहीं, तो मुझे अब क्या करना था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम 24 आवर के अंदर आयरलैंड छोड़ के नहीं जाओगी, जी को अपने आप से नफरत करने में मजबूर ना करोगी ना, तो तुम्हारी मॉम और बहन के साथ जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। ये सुनने के बाद पसीका काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम तो काफी अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन उनको तो नहीं पता था कि उनके घर पे ऑलरेडी टी के मॉम के भेजे हुए चमचे है, और जो पसीका की काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, टी के पापा टी को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्लीज जल्दी से तुम पसीका को रोक लो, वो आइलैंड छोड़ के जाने वाली है, कल वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने बोला था कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद टी का भी परेशान होता है और जाता है पसीका के पास। पसीका अपना पैकिंग कर रही होती है, टी बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, पसीका बोलती है अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती तो मैं जा रही हूँ, टी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, पापा नहीं चाहते तुम जाओ तो प्लीज मत जाओ ना। तभी पसीका बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैंने ना अपने आप को फोर्स करके रखा हुआ है कि मैं स्माइल करूँ, मैं सब कुछ ऐसा करूँ जो तुम चाहती हो, तुम्हारे पापा चाहते हैं,
लेकिन अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती ना, मैं सब कुछ नहीं झेल सकती, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद दीप बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। तभी पचिका उसे बोलते है कि क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ यहाँ पर रह के। दीप बोलता है कि तुम किसकी वजह से जा रहे हो। तब पचिका बोलते है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से ना नफरत होने लगी है, मुझे तुम्हारा शक्ल डेली देखना पड़ता है। तुमने मेरे साथ जो भी किया है ना, मुझे वो सारी चीजें याद आती है जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और वो बोलती है कि तुम्हें याद है हमेशा मैं यहाँ पर जितने टाइम हूँ ना, जब से तुम एलम पे आए हो मैंने अपने को फोर्स किया हुआ है स्माइल करने के लिए, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं मैं किस दिन प्रॉपरली खुश थी, प्रॉपरली हंसी थी या फिर दिल से खुश थी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मैंने बस अंकल को सोच के, अंकल को याद करके यहाँ पर रहने का फैसला किया था, लेकिन अब एक हद हो चुकी है, मैं नहीं रह सकती, आई एम सॉरी, ऐसा वो बोल के वो सामान पैक कर रही थी। बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सफर करवाया। तभी पचिका बोलते कि हाँ मुझे तुमसे नफरत है, प्लीज यहाँ से जाओ, और मैं अभी डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा वो बोल देती है। ठीक हो याद आता है उसने हाँ बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी तो कर दी थी पचिका के साथ, फिर भी वो प्यार तो पागल की तरह करता था पचिका से। सो अब पचिका की ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद कि उसने उसे इतना सफर करवाया, तो टी अब कुछ बोल नहीं पाता और उसके बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जो पचिका की जो टी की मॉम थी, वो तो काफी खुश थी कि चलो अब तो फाइनली पीछा छुट्टी, लेकिन ऐसा होना नहीं था। पचिका अपना सामान पैक करके आ रही होती है आइलैंड को छोड़ने के लिए, लेकिन टी उसे रोक लेता है। और ये सब यहाँ पर चल रहा था, टी की मॉम भी वहीं पर थी और सब लोग देख रहे थे, और टी की मॉम टी को ऐसे संभालने की ट्राई कर रही थी, और टी बिल्कुल भी सुन दे रहा था। और वो पचिका को बोल रहा था कि तुम नहीं जा सकती पचिका, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा मुझे छोड़ के जाने के लिए, ऐसा वो बोल रहा था। पचिका बोलते कि मैं अब यहाँ से जा रही तो तुम मुझे नहीं रोक सकते, छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन टी उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। मॉम बोल रही थी कि तुम ऐसी लड़की के पीछे कैसे जा सकते, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम मुझे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते, बोल के वो अपना इमोशनल एंगल खेल ही रहे थे। लेकिन इस बार टी का भी दिमाग बिल्कुल भी जगह पे नहीं था। वो बोलता है कि मॉम आप ऑलरेडी मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर चुकी है, तो प्लीज इस बार मत कीजिए, मैं पचिका को नहीं खो सकता, मैं इससे प्यार करता हूँ, ऐसे वो बोलता है। ये सब सुनने के बाद टी की मॉम का तो होश ही उड़ गया था। टी जाता है पचिका के पीछे पीछे और उसे घुटने पे बैठ के बोल रहा था कि प्लीज पचिका मुझे छोड़ के मत जाओ, अगर तुम जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैंने हमेशा अपने इमोशन को अपने फीलिंग को छुपाने की ट्राई किया है मॉम की वजह से, लेकिन अब मैं अपने आप को छुपा नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा वो बोल रहा था। और पचिका के आंखों से तो आंसू आने लगते है। टी उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा, हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो हम हमारी मॉम को जरूर मना पाएंगे, प्लीज पचिका मुझसे शादी कर लो, मुझे छोड़ के मत जाओ, बोल के वो रोने लग जाता है। और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो शायद मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं होगा, मैंने लाइफ में किसी से भी इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया है, मैंने हमेशा अपनी फीलिंग को छुपाने की ट्राई किया लेकिन अब मैं नहीं छुपा सकता, ऐसा वो बोल के रो रहा होता है। और वो पचिका को गले लगा के बोलता है कि प्लीज मुझसे शादी करो, पचिका बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तभी जो टी था उसे बोलता है कि पर क्यों, तभी पचिका बोलती है कि मेरे कुछ रीजन है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और वो डर जाती है, वो वैसे जाने वाली थी, उसे रोकने की ट्राई कर रहा था। पचिका बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारी मॉम को अभी के अभी मिलना होगा। तभी जो टी था वो बोलता है कि तुम्हें क्यों बोल रही हो, तभी जो पचिका थी वो उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी मॉम से मिलने नहीं गई ना तो मेरी मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को हर्ट करने के लिए लोग भेजे हुए हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, प्लीज मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ये सुनने के बाद टी बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरी मॉम के बारे में, पचिका बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मॉम को ऐसे ही ब्लेम कर रही हूँ कुछ भी चीजों के लिए, ये देखो सबूत, बोल के ओ वही मैसेज और जो फोटो भेजा हुआ था ली ने वो दिखा देती है। और वो बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आया मैं ऐसे बंदी की बेटी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, कैसे प्यार कर सकती हूँ, जो औरत अपनी अपने लोग भेजते हैं मेरी मॉम को हर्ट करने के लिए, कभी भी नहीं, तुम्हारा मेरा कभी कुछ हो नहीं सकता, भूल जाओ, बोल के वो उसे वहां से छोड़ के चली जाती है। हमें दिखाया जाता है टी का तो दिमागी खराब हो गया, क्योंकि इसने तो आज तक अपनी मॉम के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था, जो आज तो बुरी तरह से टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है सेंसिप जहाँ पर पचिका की मॉम थी उनके ऊपर दो गुंडे जानलेवा हमला कर लेते हैं। और गाइस मुझे ये जरूर बताओ कि आप लोगों को टी की मॉम कितनी ज्यादा चुड़ैल लगती है। हमें दिखाया जाता है जो बिचारी मॉम थी वो भागी जा रही थी, लेकिन लकीली यहाँ पर इनका एक लायक एक अच्छा वाला दामाद भी है, यानी कि नॉन डॉक्टर नॉन वो आता है और वो और रीन तीन आके उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। नॉन काफी अच्छा फाइट करता है और उन लोगों से भगा देता है।
हमें दिखाया जाता है अभी तीन अपनी बहन को कॉल करती है, पसी क्या को और बताती है कि उतना अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पे मुझे इन्फॉर्म किया। एक बात बताओ, किसने भेजा था मॉम को हर्ट करने के लिए? लेकिन पसीता कुछ बता नहीं पाती। अब हमें दिखाया जाता है जो टी की मॉम थी वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि पसीता की मॉम बच गई। और यहाँ पर टी आता है, टी आने के बाद वो बोलता है कि मॉम आप इसे कैसे कह सकते हो, आप पसीता की मॉम को हर्ट करने के लिए लोग को कैसे भेज सकते हो? पहले तो वो बोल रही थी कि तुम क्या बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में टी बोलता है कि मॉम आप झूठ मत बोलो, मैंने ऑलरेडी पसीता के फोन पर देखा हुआ है आपके मैसेजेस और फोटो। ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं तो बस थोड़ा ऐसे डराने भेजी थी। लेकिन टी बहुत गुस्से में आता है और वो बोलता है कि आपकी बेवकूफी, आपकी वजह से पसीता आज यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं बोलती कि क्यों नहीं, तभी टी बोलता कि क्योंकि ये कभी नहीं जा सकती यहाँ से, मैंने इसे प्रपोज किया शादी के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने पापा के मिस्टर्स के साथ शादी करने वाले हो, तुम अपने पापा की वाइफ को शेयर करोगी? ये सुनने के बाद टी बोलता है कि मॉम ये आपकी सोच है, आप ऐसा सोचते हैं पसीता के बारे में, और मुझे इतना तो यकीन हो गया कि मैं आपकी जो सोच है पसीता को लेकर कभी बदल नहीं सकूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दिल को और अपनी फीलिंग को और ज्यादा दबाऊंगा आपके चक्कर में, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मैं 100% शेयर हूँ पसीता मेरे पापा की मिस्ट्रेस नहीं है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो जो टी था वो बोलता है कि क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है मॉम, आपने डैड के जितने भी भेजे हुए लेटर्स थे सब कुछ छुपा दिया है ना, ताकि मेरे डैड और मेरे बीच में कोई बात ना हो सके। आप डैड के साथ बदला लेने के लिए इतना कुछ कर चुकी है और मुझे लगता था कि आप मुझे बहुत प्यार करती है। अब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ प्यार करने का ड्रामा इसलिए करती थी ताकि आप डैड को परेशान कर सके, ताकि मेरे मन में डैड के लिए गलत फीलिंग हो। और आप सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन इस बार मैं आपकी फीलिंग को नहीं दबा सकता, आपकी वजह से मैं पसीता को खो नहीं सकता, ये सब बोल देता है। और पसीता का हाथ पकड़ता है कि और वो बोलता है कि मैं पसीता से बहुत प्यार करता हूँ, इनफैक्ट मैं उसके मगर रह भी नहीं पाऊंगा ना ही मैं जी पाऊंगा, इतना आप ठान लो। और अब मैं आपकी बातों को नहीं सुनने वाला, मैं अपने दिल की बातों को फीलिंग से फॉलो करूंगा, अपने दिल की सुनूंगा और मैं पसीता से शादी करूंगा। अब आप जो करना है करके देखिए, मैं पसीता को नहीं छोड़ने वाला, मैं पसीता से साथ शादी करने वाला हूँ, ऐसा वो बोलता है। और इसने के बाद जो टी की मॉम थी वो बोलती कि एक बात याद रखना थी, अगर आज तुमने इसको चूज किया मतलब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। टी की आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे, वो अपनी मॉम को देखे बगैर वहां से चला जाता है। और ये सब देखने के बाद जो टी की मॉम की सिचुएशन थी ना, माय गॉड, देखने में तो मजा आ गया, वो तो बहुत ज्यादा पागल की तरह रोने लग जाती है। लाइक उन्होंने आज तक टी के लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि टी ने तो बोल दिया था आपकी अच्छी फीलिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ ही दे रही थी, तो आज अच्छा हुआ कि आपकी अच्छी फीलिंग अच्छी ना आ रही, बोल गया तो चला गया बेचारा टी, वो भी काफी ज्यादा अपसेट था। पसी का मन बना चुकी थी, उसे अब बैंक को वापस जाना ही था, लेकिन अभी पैट उसे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें एक बार टी से बात कर लेनी चाहिए, टी तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है, ऐसा बोलकर उसे समझाता है। हमें दिखाया जाता है जो टी था काफी अपसेट होके ऐसे बीच साइड पे बैठा हुआ था, और उसे सॉरी बोलता है उसकी वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा, और वो बोल रहा था कि जो मेरी मॉम ने तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ करने की ट्राई किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद जो पसी का थी वो बोलती कि प्लीज तुम मेरी वजह से अपनी मॉम से नफरत मत करो। सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम इतनी ऐसे कैसे हो सकती हो, मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम मेरी मॉम के बारे में सोच रही हो। पसीता बोलती है कि एक टाइम पे मैंने भी अपने मॉम के साथ ऐसे ही सोचा था, मॉम को इतना ही बुरा समझा था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मैं गलत थी, मैंने तो वो गलती कर दी, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम ऐसा गलती करो, बोल के उसे समझाती है। टी उसे गले लगा के बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ पसीता, मेरे साथ रहो ना, और उसे रो के सब बोल रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है रात को, टी को आज पसीता के घर पर ही रहना था क्योंकि अब अपनी मॉम के साथ लड़ाई करके आया था, तो अपने मम्मी के पास जाना तो नहीं चाहता था। और तभी पसीता उसे रहने दे रही होती है, पसीता को सांगना उठा लेता है क्योंकि अभी भी टी की मॉम उसकी जान लेने के लिए उससे हायर किया हुआ था, और आज ऑर्डर मिला था कि सीधा पसीता को मारना ही है। हमें दिखाया जाता है टी को जब पता चलता है टी पैट और जियो को, टी 100% श्योर था कि ये उसकी मॉम का कारनामा है। वो सीधा जाता है मॉम के पास और वो बोलता है पसीता कहाँ पर है मॉम? उसकी मॉम तो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बातें सुन नहीं रही थी, और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। टी अपनी मॉम के हाथों को पकड़ के बोलता है कि अगर आपको नहीं पता तो किसको पता है मॉम, प्लीज आप बताओ पसीता कहाँ पर है, आप पसीता के साथ क्या कर रही है, ऐसा बोल के बहुत गुस्से में आ जाता है। ये सब देखने के बाद टी की मॉम को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो पसीता थी उसे सांगना आग लगाने वाला था, टी को जब आइडिया होता
लगता है कि पछिका इनके पास नहीं है, तो वो भाग जाता है पछिका को ढूंढने के लिए। और लकीली शेख भी था, सब लोग मिलकर पछिका को तो बचा लेते हैं, लेकिन सांगना अभी भी पछिका की जान के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि आज उसे ऑर्डर मिली थी कि किसी भी कीमत पे पछिका की जान को लेना है। और टी उसे बचा लेता है, शेख आके सांगना को अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन वहां से भागने में कामयाब हो गया था। पछिका को सही सलामत देखे टी की जान भी थोड़ी सी जान आती है। पछिका थोड़ी घबराई हुई थी और टी उसे सॉरी बोलता है जो भी हुआ उसके लिए, और उसे बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, ऐसा वो बोल के उसे गले लगाता है। टी पछिका को छोड़ने के लिए उसके रूम तक आता है और वो बाहर से चला गया था। उसे पता नहीं था उसकी मम ऑलरेडी पछिका की जान के पीछे पड़ी हुई है, और चाकू लेके पछिका की जान के पीछे पड़ जाती है। लकीली यहाँ पर सब लोग आके सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखा जाता है रात को टी को पछिका बोल रही थी कि तुम्हें अपनी मम के पास जाना चाहिए। टी बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं उनके पास जाऊंगा लेकिन बाद में। और उसे बोलना था कि प्लीज एक काम कर सकती हो तुम, ना ये मत बोलो कि मुझे भूल जाना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दो, क्योंकि अभी मेरा दिल मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैंने ना तुमसे प्यार करना सीखा है पछिका, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज यहाँ पर रह लो, ऐसा बोल के पछिका को गले लगाता है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है जोली थी कहीं पर जा रही होती है बोट को लेकर। और गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग ये भी जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। इसके बाद इसके 5 एपिसोड है, मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए जरूर लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।